हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सो वी आर बैक अगेन विद द सेकंड लेक्चर ऑफ द डे दैट इज बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल बुक है। सो आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है 28th of August 2020 का रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों का MCQ बेस्ड करेंट अफेयर्स का लेक्चर आ चुका है। चूंकि आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं वर्ड डिस्कशन पे। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है वो है वल्नरेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है किसी खतरे से प्रोटेक्शन लैक करना, यानी किसी खतरे से आपको प्रोटेक्शन की कमी हो या फिर किसी अटैक से आप रेसिस्टेंस ना हो, किसी अटैक से आप अपना बचाव ना कर सके। हिंदी में इसको आप बोल सकते हो असुरक्षित। इस पिक्चर को देख सकते हैं, इस बंदे पर इनके द्वारा वार किया जा रहा है और ये असुरक्षित है क्योंकि ये रेसिस्टेंस नहीं कर सकते इनके अटैक से। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी बच्चे जो होते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे असुरक्षित मेंबर होते हैं। यंग वर्ड्स आर वेरी वल्नरेबल टू प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। छोटी चिड़िया जो होते हैं, छोटे बर्ड जो होते हैं वो काफी असुरक्षित होते हैं शिकारियों के लिए, यानी शिकारियों से छोटे बर्ड काफी असुरक्षित होते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं डिफेंसलेस, एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल। एंटोनिम्स देखें गार्डेड, प्रोटेक्टेड, सिक्योर। जितने भी वल्नरेबल मेंबर होते हैं किसी सोसाइटी के लिए वो लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं डेंजर से, क्योंकि उसी सोसाइटी के जो इविल सोच वाले बंदे होते हैं वो चाहते हैं कि वल्नरेबल मेंबर को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा इक्विवोकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है ऑफ डाउटफुल नेचर, यानी संदिग्ध नेचर का व्यक्ति, जिसको आप बोल सकते हैं अनिश्चित या फिर संदिग्ध। किसी व्यक्ति के हाथ में पिस्टल देखकर आप तो बोलोगे कि यह काफी संदिग्ध है, कि यह कुछ भी कर सकता है, इसकी एक्टिविटी अनिश्चित है। द पॉलिटिशियन गेव एन इक्विवोकल आंसर, नेता ने काफी ही संदिग्धार्थक जवाब दिया। रिसर्च इन दिस एरिया इज समवट इक्विवोकल, यानी इस क्षेत्र में रिसर्च जो है अभी भी अनिश्चित है या संदिग्ध है। सिनोनिम्स देखते हैं अनसर्टन, एम्बिगुअस, डूबियस, मतलब डाउटफुल। एंटोनिम्स देखते हैं सर्टन, डेफिनेट, श्योर। जो चीज आंखों के लिए कम विजिबल हो, यानी जिस चीजों को आपने काफी कम देखा है आप उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, वो आपके लिए हमेशा इक्विवोकल रहता है, संदिग्ध रहता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा डेलिबरेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है किसी भी काम को काफी सोच समझ कर करना, या फिर आप बोल सकते हो जान बूझ कर करना। ये देख सकते हैं ये बच्ची जान बूझ कर इस फूल पे पैर मार रही है, यानी कि काफी सोचा समझा एक्टिविटी है। विटनेसेस सेज द फायरिंग वाज डेलिबरेट एंड सस्टेंड। सस्टेंड का मतलब होता है निरंतर। विटनेस का कहना है कि फायरिंग काफी निरंतर और जानबूझकर किया जा रहा था। द ओमिशन ऑफ हर नेम वाज नॉट अ डेलिबरेट एक्ट, उसके नाम का हटना कोई जानबूझकर किया जाने वाला एक्ट नहीं है, काम नहीं है। सिनोनिम्स देखते हैं कैलकुलेटेड, इंटेंशनल, पर्पसफुल, यानी जानबूझकर, सोच समझ कर। एंटोनिम्स देखें केयरलेस, इग्नोरेंट, इनकॉशस। लड़कियों की बर्थ रेट कम होना कोई इंसिडेंट नहीं है, यानी लड़कियों की बर्थ रेट अभी भी इंडिया में कम है इतने सारे पॉलिसी सरकार के द्वारा चलाए जाने के बावजूद भी, तो ये कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि किसी पेरेंट्स के द्वारा ये सोचा समझा समझ कर उठाया जाने वाला एक डिलीवरेट अटेम्प्ट है, यानी कि जानबूझकर उठाया जाने वाला ये एक डिलीवरेट अटेम्प्ट है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा पॉन्डर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर सीरियस थॉट देना और केयरफुल, यानी ध्यान पूर्वक सोचना, जिसको बोल सकते हो चिंतन करना या फिर मथना। इस स्माइली को तो आपने यूज किया ही होगा, इस स्माइली का मतलब है चिंतन करना, मथना। ही कंटिन्यू टू पॉन्डर द प्रॉब्लम एज ही वॉक्ड होम, यानी घर आने के बाद भी वो अपने समस्या को लेकर चिंतन करता रहा। साइंटिस्ट स्टिल पॉन्डर ओवर द ओरिजिन ऑफ मैन, यानी इंसानों के ओरिजिन को लेकर अभी भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग चिंतन करते हैं। एनालाइज, एक्सप्लोर, कॉजिटेट, इट विल बी योर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स होगा नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिसरिगार्ड, यानी इग्नोर मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ध्यान नहीं देना। बॉर्डर पे दुश्मनों पे फायर करने से पहले सोल्जर को पॉन्डर नहीं करना पड़ता, उनको चिंतन नहीं करना पड़ता है। बॉर्डर पे कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखा डायरेक्ट फायर करो, वरना देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा चकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब के अंदर आता है जिसका मतलब होता है धीरे सी, मुंह ढककर, संतुष्टि के साथ हंसना, जिसको आप बोल सकते हो हर्ष प्रकट करना। इस बच्ची को आप देख सकते हो धीरे से मुंह ढककर हंस रही है, इसी को बोलते हैं चकल।
ही गेव अ चकल इन रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन के जवाब में उसने एक हल्का सा स्माइल दिया, हर्ष प्रकट किया। ही सुक हिज हेड विथ द सॉफ्ट सॉरी ही सुक हिज हेड विथ अ सॉफ्ट चकल, उसने अपने सर को हिलाया एक सॉफ्ट हंसी के साथ, एक सॉफ्ट लाफ के साथ। सिनोनिम्स देखते हैं, लाफ, गिगल, स्निकर। एंटोनिम्स देखेंगे, मौन, सॉब, क्राई, मतलब रोना, मातम मनाना जिसको आप बोल सकते हो। लॉकडाउन में कपल क्वालिटी टाइम बिताते हुए चकल कर रहे थे एक दूसरे के साथ। लॉकडाउन में सब लोग घर में, एक कपल एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए हंस प्रकट कर रहे थे, हंस रहे थे, सॉफ्ट स्माइल दे रहे थे। तो यहाँ पे हमारा वर्ड डिस्कशन खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने रिविजन पार्ट पे, जो कि कल का वर्ड होता है जिस वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके रहते हैं। तो आज हम लोग मैच करेंगे, एक होता है वर्ड और दूसरे साइड है सिनोनिम्स, तो आपको मैच करना है। एवेंस, एवेंस का मतलब मैंने कल ही बताया था, प्रदर्शित करना, जिसको आप बोल सकते हो डेमोन्स्ट्रेट। दूसरा आपका प्रीपोस्टेरस, यानी कि मूर्खतापूर्ण या फिर उटपटांग जिसको आप बोलते हो, रेडिकुलस। मिटिगेशन मतलब प्रभाव कम करना, किसी चीज के इम्पैक्ट को कम करना, जिसको आप रिडक्शन बोल सकते हो। प्रोग्नोसिस यानी पूर्वानुमान, किसी चीज को लेकर पूर्वानुमान लगाना यानी प्रिडिक्शन। और लास्ट है हमारा प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी, सोच समझकर कोई बुद्धिमानी वाला फैसला लेना, जिसको बोल सकते हो जुडिशियस। सो आई होप गाइज कि आपको लेक्चर हमारा पसंद आ रहा होगा। लेक्चर पसंद हो आ रहा है और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, जो कि आपको सारे लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइज, जल्दी जल्दी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा डेली करंट अफेयर्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।